जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता जी, जय श्री महाकाल। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए, किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, काल भैरव के मंत्र के द्वारा किस प्रकार समाधान प्राप्त कर सकते हो। जो काल भैरव का जो मंत्र बताया गया बहुत ही गोपनीय माना जाता है और बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के थक चुके हो, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा हो जिसका जो फाइनल ना हो पा रहा हो, तो आप भी कोई कोर्ट कचहरी के केस से परेशान हो तो इस साधना को अवश्य ही करना चाहिए आप लोगों ने। या आप लोग कोई गंभीर रोग से पीड़ित रहते हो, जो आप इलाज भी कराते हो, आपको आराम प्राप्त ना हो पा रहा हो, तो ऐसे सभी लोग इस साधना को अवश्य ही करना चाहिए। कोई शारीरिक पीड़ा हो आपके, कोई मानसिक डिप्रेशन में रहते हो आप लोग, या आप लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक ही नहीं हो पाती हो, या आपका पैसे का ही नुकसान होता हो किसी ना किसी कारण से, या आप लोगों को कोई अकाल मृत्यु का भय सताता हो, या आपके कुंडली में ऐसे कोई दुर्घटना के योग हो, तो इस साधना को सभी लोगों ने करना चाहिए। या तंत्र मंत्र के कोई अभिचारक कर्म होते हो आपके ऊपर, या कोई शमशानी क्रिया होती हो, या किसी ने आपके घर पर चौकी लगा दी हो, या कोई भूत प्रेत का छाया हो, कोई नज़र दोष, कोई हाय लगी हो आपके ऊपर, ये सभी परेशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हो काल भैरव के मंत्र से। जैसे कोई शत्रु विपत्ति हो, कोई रोग हो, निर्धनता हो, इन सब परेशानी से आप लोग मुक्त हो सकते हो काल भैरव की साधना करके। ऐसे सभी लोग भी साधना को कर सकते हैं। जो अपने ही घर में आपको अकेले रहते हो तो आपको भय लगता हो, तो ऐसे सभी जो भी परेशानी हो आपके जीवन में, तो ये जो मंत्र हम आपको बताएंगे बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना जाता है। वैसे तो काल भैरव के बहुत से मंत्र होते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है बहुत ही गोपनीय और बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इन सभी परेशानी से आप लोग छुटकारा पा सकते हो काल भैरव की साधना करके। वैसे महाकाल की जो भी साधनाएँ की जाती है गुरु के सानिध्य में करना चाहिए आप लोगों को, या तो किसी मार्गदर्शक के सानिध्य में ही करना चाहिए। और जो भी आप लोग साधना करते हो पूर्ण विधान लेना चाहिए, फिर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि काल भैरव एक उग्र स्वरूप माना जाता है, एक उग्र शक्ति मानी जाती है, ये भोलेनाथ के उग्र स्वरूप माने जाते हैं काल भैरव। इनकी उपासना अक्सर की जाती है, तामसिक तरीके से भी की जाती है, और इनकी उपासना सात्विक रूप से भी की जाती है। ये तंत्र के प्रमुख देवता माने जाते हैं काल भैरव। लेकिन जो साधना के जो नियम होते हैं उसमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को। पहली बार ही कोई साधना कर रहे हो तब आपको काल भैरव की साधना नहीं करना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ के बारे में जानते हो, उनके नियम के बारे में जानते हो, ऐसे सभी लोग इस साधना को कर सकते हो। काल भैरव की जो सेवा, जो पूजा, उनकी जो साधना होती बहुत जल्दी फलित मानी जाती है। कलयुग के समय में काल भैरव की पूजा, हनुमान जी की, महाकाली की, ये जो पूजा होती है इन शक्तियों की बहुत ही जल्दी फलित मानी जाती है। बहुत से लोग तंत्र क्षेत्र में जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है, तो ऐसे सभी लोगों को भी काल भैरव की इस मंत्र की साधना करना चाहिए, तो आपको तंत्र के क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलेगी। कई लोगों के कोई कार्य नहीं बन पाते हो, कोई कामों में रुकावटें आती हो, तो सभी प्रकार की जो भी परेशानी हो आपके जीवन में उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो हम आप लोगों को साधना विधान बता देते हैं। इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से, या तो किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हो, या किसी भी रविवार से भी प्रारंभ कर सकते हो। एक वर्ष में जो काल भैरव अष्टमी आती तब से भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए काला ऊनी आसन होना जरूरी है, काले कपड़े पहन के भी साधना कर सकते हो। अगर आपके पास काले कपड़े ना हो तो अन्य कपड़े पहन के भी साधना कर सकते हो। इस साधना को रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, या काले हकीक की माला से भी कर सकते हो। इस साधना को दक्षिण दिशा की इधर ही मुँह करके करना चाहिए आप लोगों को। इस साधना को जब से भी आप लोग प्रारंभ करोगे तो 41 दिनों तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं दिया जाएगा, पूरी 41 दिनों तक आपको इस साधना को करना है। इस साधना को किया जाएगा रात के समय में, रात के 10 बजे से प्रारंभ कर सकते हो इस साधना को। तो इस साधना की 41 दिनों तक प्रतिदिन आप लोग माला निकाल सकते हो, 3 माला, 5 माला या 7 माला या 11 माला आप प्रतिदिन निकालना है आपको रात के समय में। काल भैरव को आप लोग प्रतिदिन भोग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हो, 2 बेसन के लड्डू का, उसके साथ में आप गुड़ का शरबत बना के भी लगा सकते हो।
उड़द की दाल के बड़े बना के, दो बड़े बना के प्रतिदिन लगा सकते हो। उसके साथ भी आपको गुड़ का शरबत लगाना चाहिए, या तो कचौड़ी बना के भी लगा सकते हो आप लोग, दो कचौड़ी उसके साथ भी अगर आप लगाओगे तो गुड़ का शरबत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो जो भी हमने जो भोग बताया आप उसमें से कोई एक भोग लगाना है, लेकिन उनके साथ एक गुड़ का शरबत बना के आपको अवश्य लगाना है। एक गिलास में आपको गुड़ का शरबत बना लेना है, फिर उस भोग के साथ में आपको भोग लगाना है भैरव बाबा को। जैसा कि जो हमने समय बताया तब से प्रारंभ करते हो, तो नहा धो के आपके पूजा स्थान पे या तो एकांत कमरे में आप लोग काल भैरव के लिए चौकी लगा सकते हो। जहाँ पे भी लगाना चाहते हो वहाँ पे काला कपड़ा बिछा के आप काल भैरव की फ़ोटो विराजमान कीजिए। काल भैरव के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलेगा जिसमें बत्ती डाली जाएगी कलावे की। काल भैरव के सामने गूगल की धूपबत्ती जला सकते हो, अगर गूगल की नहीं मिलती तो चंदन की भी धूपबत्ती जला सकते हो। जब भी आप पूजन प्रारंभ करते हो प्रतिदिन, तो गाय के उपले पे आपको गूगल की धूप दिखाना है काल भैरव को। काले कपड़े के ऊपर एक तांबे की या तो पीतल की प्लेट रखना है, आपको पूजन प्रारंभ करना है। प्रथम पूज्य श्री गणेश का पूजन कीजिए पंचोपचार, आपके गुरु का पूजन होगा पंचोपचार। अगर आप लोगों के गुरु नहीं हो तो आप भोलेनाथ शिव को ही गुरु मान के पूजन कर सकते हो पंचोपचार भोलेनाथ शिव का। फिर उसके बाद आपको महाकाली का पंचोपचार पूजन करना है। फिर पंचोपचार महाकाली का पूजन करने के बाद काल भैरव की पंचोपचार पूजन करोगे आप लोग। जो हमने भोग बताया वो भोग लगाइए आप लोग। भोग लगाने के बाद एक माला प्रथम दिन निकालना है, जिस दिन आप प्रारंभ करोगे उस दिन एक माला निकालना है, ओम गण गणपते नमः। एक माला आपके गुरु मंत्र की निकालिए, अगर आपके गुरु नहीं हो तो आप ओम नमः शिवाय की एक माला निकाल सकते हो। और एक माला निकाली जाएगी महाकाली की, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की एक माला अवश्य निकालना है प्रथम दिन। जब आपके 41 दिन जिस दिन कंप्लीट हो रहे उस दिन 41वें दिन आपको एक एक माला इनकी और निकाल लेना है। दूसरे दिन से आप लोग गणेश मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए, आपके गुरु मंत्र का या भोलेनाथ के मंत्र का या काली मंत्र का। पहले दिन और लास्ट दिन ही एक एक माला निकालना है। उसके बाद आपको महाकाल भैरव की साधना प्रारंभ करना है। इस साधना को आप चाहो तो पूजा करने से पहले आप संकल्प लेके भी कर सकते हो। अगर आप संकल्प लेके नहीं करना चाहते हो तो बिना संकल्प लेके भी 41 दिनों तक कर सकते हो, लेकिन पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। साधनाओं के कुछ नियम होते हैं और जो भी उग्र शक्तियों की साधना की जाती है बहुत ही सावधानी के साथ की जाती है। तो इस साधना को 41 दिनों तक करना है। हम आपको काल भैरव का मंत्र बता देते हैं। ओम लम महाकाल भैरवाय ओम नमः, ओम लम महाकाल भैरवाय ओम नमः, ओम लम महाकाल भैरवाय ओम नमः। तो आपको इस मंत्र की प्रतिदिन आप चाहो तो 3 माला 5 माला 7 माला या 11 माला प्रतिदिन निकालना है 41 दिनों तक। जो भी साधक इस साधना को कर लेता है तो महाकाल की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है उस साधक को। इस साधना के दौरान आपको कुछ अनुभूतियाँ होगी, जो विधान बताया उसी प्रकार आपको करना है। प्रतिदिन आपको जो जो पूजा बताई उस प्रकार ही प्रतिदिन पूजा करके आपको फिर मंत्र का आपको जप करना चाहिए। देखिए महाकाल भैरव की जो साधनाएँ की जाती है ये किसी के सानिध्य में या किसी गुरु के सानिध्य में ही की जाती है। बहुत से लोग नए साधक आते हैं जो महाकाल की साधना मांगते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले महाकाली की कोई साधना की हो या भोलेनाथ की साधना की हो तो ऐसे सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कभी कोई साधना ना की हो वो लोग नहीं कर सकते इस साधना को। आपने किसी भी कोई भी देवी देवता की कोई भी साधना एक संपन्न की हो तो तब इस साधना को आप लोगों को करना चाहिए। तो हमने जिस प्रकार आपको ये साधना विधि बताई उसी प्रकार करना चाहिए और कंटिन्यू 41 दिनों तक ही करना चाहिए। इस साधना को जो भी 41 दिनों तक संपन्न कर लेता है और जो भी इच्छा मनोकामना से कर लेता है वो श्री महाकाल भैरव अवश्य पूर्ण करते हैं। और इस साधना को जिस भी समस्या के समाधान के लिए करते हो उस समस्या का समाधान आपको 41 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग के समय में महाकाल की, महाकाली की और हनुमान जी की उपासना जो होती है बहुत ही शीघ्र प्रभावशाली मानी जाती है और इसका जो फल भी है बहुत जल्दी आप लोगों को प्राप्त भी हो जाता। किसी भी कोर्ट केस में आप लोग फंसे हो उसका फाइनल चाहते हो तो इस साधना को अवश्य करना चाहिए आप लोगों ने। या किसी प्रकार के भी जो रोगों से या बीमारियों से तंत्र मंत्र से या किसी भी प्रकार से आप लोग परेशान रहते हो तो इस साधना को अवश्य ही कीजिए, आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। महाकाल भैरव की संपूर्ण इस साधना की जानकारी हमने आपको पूर्ण बता दी।
आप लोगों को हमारी ये वीडियो ये जानकारी पसंद आती तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल, जय भवानी।